अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे मजेदार ग्राफ, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ध्यान से देखेंगे, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। हम अभी तक क्या कर चुके हैं, कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होता है, कंजम्पशन की सारी बातें हो गई। अब सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एपीसी क्या है, एमपीसी क्या है, सब कुछ हो गया। अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ अभी तक का, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ध्यान से देखना, दो पार्ट्स में बनता है, मतलब एक बड़ा सा पेज आपका, तो एक हो गया अपर हाफ, एक हो गया लोअर हाफ। ध्यान से देखेंगे, अपर हाफ एक पेज को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में और दो ग्राफ्स बनाएंगे। जो नीचे वाला बनाएंगे ग्राफ, उसमें नेगेटिव क्वाड्रेंट भी लेंगे, अभी पता चल जाएगा क्यों। क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, वाई एक्सिस, ओरिजिन, नेगेटिव का। एक्स एक्सिस पे क्या है, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। वाई एक्सिस पे अपर हाफ में हम क्या शो कर रहे हैं, कंजम्पशन। अपर हाफ में हम क्या शो कर रहे हैं, कंजम्पशन, और लोअर हाफ में क्या शो कर रहे हैं, सेविंग्स। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बना दो गाइडलाइन, गाइडलाइन आ गई। क्या है ये, 45 डिग्री कर्व, ऑल्सो रेफर टू एज Y, AS aggregate supply curve referred to as Y. Consumption curve कैसा होता है दृष्टि, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कंजम्पशन कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ऐसा होता है कंजम्पशन कर्व। C, कोई भी डाउट, बस ये दो चीजें बना दो अपर हाफ में। C आ गया आपके पास, AS आ गया। अब ये जो C का स्टार्टिंग पॉइंट है, Why is it above the origin? So because of autonomous consumption. आपको बस इतना सा बोलना था, because of autonomous consumption, the consumption curve starts from a point above the origin. And when C is equal to Y, इसको क्या बोलते हैं, break even point. Break even point. Break even point पे क्या होता है, consumption is equal to income. यहाँ पे denoted by E. It is not equilibrium, it is break even point. Upper half में किसी को कोई भी doubt? अब ध्यान से देखना, हमें points derive करने हैं। First point, when the income level is zero, जितना भी आपका value आ रहा है, value क्या, आपके पेज में जितनी भी width है, अगर आप lines हैं तो two lines, three lines, exact figure पे consumption curve start करना, बीच में कहीं randomly मत start करना, वरना measure करना पड़ जाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ आसान कैसे रहेगा, टू लाइंस पे स्टार्ट कर दो। क्यों, जितनी भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जीरो लेवल पे, उतनी ही क्या होगी, डिस सेविंग होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट, पहला पॉइंट क्या हो गया, जितनी आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उतनी क्या होगी, डिस सेविंग, रिप्रेजेंटेड बाय माइनस सी बार। तो इसकी जो लेंथ है इतनी होनी चाहिए ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो आप ग्राफ में बना, अपने पेज पे बना रहे हैं, तो दो लाइनें ऊपर है तो नीचे दो लाइनें ही होंगी, तीन है तो तीन होंगी, बी केयरफुल। फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब जब लेवल ऑफ इनकम अब ब्रेक इवन पॉइंट पे है, जहां पे आप ब्रेक इवन पॉइंट पे है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आप क्या करें, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसको नीचे सेविंग कर्व तक ले जाएं। ब्रेक इवन पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसको नीचे सेविंग कर्व तक ले जाएं, कहां पे, एक्स एक्सिस पे जहां इंटरसेक्ट हो रही है। अब ध्यान से देखना, जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है,
जिस लेवल ऑफ इनकम पे, जिस लेवल ऑफ इनकम पे ओ वाई, जिस लेवल ऑफ इनकम पे ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हुआ था, उस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितनी होगी दृष्टि? जीरो। तो सेकंड पॉइंट क्या आ गया? ब्रेक इवन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड पॉइंट व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, एस व्हेन द लेवल ऑफ इनकम, व्हेन व्हेन वी आर एट द ब्रेक इवन पॉइंट, व्हेन द कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, एट दैट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स विल बी जीरो। दो पॉइंट्स आ गए। कैन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टू पॉइंट्स? तो आपका काम हो गया, जॉइन द टू पॉइंट्स, आपका सेविंग कर्व बन गया। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिल नाउ, और बहुत बार आता है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। बहुत ही स्कोरिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या करा हमने? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। अब ये क्वेश्चन दूसरी वे में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, ये सेम क्वेश्चन दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो उसमें सेविंग कर्व ऊपर बनेगा, जितनी डिस सेविंग्स हैं उतनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो जाएंगी। व्हेन सेविंग इज इक्वल टू जीरो, नीचे इनकम लाइन आ रही होगी, ऊपर से लाइन खींचेंगे, जहां पे वो इनकम लाइन को इंटरसेक्ट करेगा वो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। दो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व भी आना चाहिए, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व भी आना चाहिए। सिर्फ ग्राफ ही नहीं बनाना आना चाहिए, उसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी आनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, लेट अस अंडरस्टैंड द डेरिवेशन एज सीन इन द डायग्राम। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है। सी सी इज द कंजम्पशन कर्व, 45 डिग्री लाइन, ओ वाई रिप्रेजेंट द इनकम कर्व, ओ वाई ए एस एक ही बात है। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑटोनॉमस कंजम्पशन सी बार इज इक्वल टू ओ सी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया सी, तो ओ सी क्या हो गया आपकी? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। एज अ रिजल्ट सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एस, बिकॉज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देर इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच विल बी मेट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स। तो दिस सेविंग्स, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, कंजम्पशन कर्व इंटरसेक्ट इनकम कर्व एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। एट दिस पॉइंट कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम एंड सेविंग इज जीरो। तो यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा, इट मीन सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर। बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स एस एंड आर वी विल गेट द सेविंग कर्व। कोई डाउट? ऐसे आ सकता है डेरिवेशन फॉर डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। प्लॉटिंग है उसके हिसाब से एग्जैक्ट कर लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। इसको वो बोल रहे हैं आर, जो बोल रहे हैं हम एग्जैक्टली लिख लेते हैं ताकि मतलब आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप जो लिखोगे फिर आप उस हिसाब से यूज कर लेना। इसको उन्होंने कोई पॉइंट यूज ही नहीं करा क्योंकि वो नीचे जा रहा है सीधा सीधा, और वैसे भी रेपिटेशन हमें करनी नहीं चाहिए क्योंकि वाई हम इसको ले चुके हैं। तो यहाँ पे वाई नहीं, कुछ भी लिख देते, एफ जी एच आई कुछ भी, कुछ भी ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है। बट फिर जहां आपकी एक्सप्लेनेशन होगी उसमें वो यूज करना कि ओ सी इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ओ एस इज द डिस सेविंग, एस आर को ज्वाइन करा, आर वॉज द पॉइंट वेयर सेविंग इज निल। तो ऐसे लिखना आना चाहिए, बनाना भी आना चाहिए। बनाना आसान होगा, एक दो बार बना लोगे परफेक्ट हो जाएगा, बट उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी आनी चाहिए तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। बनाना तो लोग 10 मिनट में सीख जाते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते साथ में, इसीलिए फुल मार्क्स नहीं मिलते। 3 out of 4 भी 75% होता है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, जहाँ पे 100% आ सकते हैं वहाँ 100% लाएं, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर।